हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास है जियो ने का एक फ़ोन जिसमें 3GB रैम साथ ही साथ 32GB स्टोरेज के साथ यह फ़ोन लॉन्च किया है और जिस फ़ोन का प्राइस है सिर्फ 7000 के नीचे। जी हाँ, 6500 के आसपास यह डिवाइस मिल जाएगा। जियो ने कमाल का फीचर्स इसमें डाला है, साथ ही साथ प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन में दिया गया है काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन का जो मॉडल है वो है जियोनी F9 और इसमें प्राइस देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है MRP 7990। साथ ही साथ इस फ़ोन का जो एक्चुअल प्राइस है वो 7000 है, लेकिन मार्केट में आपको 6500 में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेके, तो इसमें 5.7 इंचेस का HD+ V डिस्प्ले मिल जाता है। रियर कैमरा जो इस फ़ोन का है वो 13 मेगापिक्सल का है LED फ्लैश के साथ और 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। 3GB रैम साथ ही साथ 32GB स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड से आप टू 256GB तक बढ़ा सकते हो। एंड्रॉयड 9 भी इसमें दिया गया है। CPU जो है वो है ऑक्टाकोर का CPU, 1.65 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, अच्छा है। 3520 mAh का बैटरी। तो जियो ने जो F9 है इसी फ़ोन को यहाँ से हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड बटन है, इसी रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अनबॉक्सिंग करने के बाद इस फ़ोन का लुक्स, डिज़ाइन एंड डिस्प्ले देख लेते हैं। इस फ़ोन का जो खासियत बात है, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइस, जी हाँ, प्राइस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट के साथ आता है जियोनी F9। और बाकी ये कुछ केस कवर, बाकी कंटेंट्स की बात करें और साथ ही साथ ये रहा एक टेम्पर्ड एंड बाकी कुछ जियोनी की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अडोप्टर है और अडोप्टर की जो आउटपुट है वो है 5 वोल्ट एंड यहाँ पे 1.5 mAh का एम्पेयर है। और साथ ही ये रहा माइक्रो USB केबल, फ़ोन माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है। अगर यहाँ पे देख सकते हो जियोनी F9 और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है ऊपर। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है 5.71 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, 720x1520 का पिक्सल्स रहने वाला है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, 3520 mAh का बैटरी, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज। पीछे हमें कुछ इस तरह से लुक्स देखने को मिल जाता है। जियोनी का ब्रांडिंग नीचे है और यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड सिंगल कैमरा मिल जाता है और LED फ्लैश के साथ में। तो फ़ोन का जो पीछे का लुक्स है वो मेरे पास ब्लैक कलर में अवेलेबल है और साथ ही साथ कर्व डिज़ाइन के साथ आता है। स्पीकर ग्रिल नीचे, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट, यहाँ पे एक माइक भी दे दिया गया है। तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी अच्छा है फ़ोन का। यहाँ पे सिम स्लॉट 2 nano SIM माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है। यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक, और अच्छी बात है ऑडियो जैक भी इस फ़ोन में दिया गया है। पावर बटन एंड वॉल्यूम रेकर भी मिल जाता है। ऊपर का स्टिकर जो है, हम इस स्टिकर को हटा देते हैं यहाँ से और बाद में इस फ़ोन को ऑन करते हैं। इस फ़ोन में आपको सिर्फ 6500 डिवाइस में अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ में अगर स्क्रीन आता है, यहाँ पे देख सकते हो वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, तो डेफिनेटली 6.571 इंचेस का HD+ रिजोल्यूशन के साथ में वाटर ड्रॉप स्क्रीन आता है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा फ़ोन है जिसमें 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ऐसा पहला फ़ोन है जिसमें आपको एक अच्छे से ब्रांड का फ़ोन है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साथ में दिया गया है। तो डेफिनेटली अच्छा चॉइस है, क्योंकि इसमें 3GB रैम एंड 32GB स्टोरेज भी इसमें देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है फ़ोन सेटअप और फ़ोन का यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले जो क्वालिटी है, डेफिनेटली ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो हमें परफॉर्मेंस मिलेगा इस फ़ोन में, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, डिस्प्ले के साथ हो या फिर कैमरा के मामले में हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। अगर बात करें इस फ़ोन की प्रोसेसर को लेके, जो इसमें प्रोसेसर है 1.65 GHz का क्लॉक स्पीड रहने वाला है, 1.65 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 8 CPU इसमें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे देगा, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 9 का भी इस्तेमाल किया गया है। तो डेफिनेटली एंड्रॉयड पाई अगर मिलता है और 3GB 32GB स्टोरेज आप एक्सटेंड भी कर सकते हो आप टू 256GB, तो परफॉर्मेंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे देख सकते हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा स्लो है, इतना फास्ट नहीं है जैसे बाकी फ़ोन्स में होते हैं,
जैसे कि रियलमी C2 से कंपेयर करें तो इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, लेकिन रियलमी C2 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे फीचर्स दे दिया गया है। अगर बात करें इस फ़ोन का बैटरी को लेके, जो इसमें बैटरी दी गए हैं 3520 mAh का बैटरी, तो आपको फुल बैकअप दे देगा, फुल डे बैकअप दे देगा। अच्छा यहाँ पे दे दिया गया है बैटरी, 3GB RAM, 32GB स्टोरेज, यहाँ पे देख सकते हो इन यूनिसॉक का यहाँ पे प्रोसेसर है, SC9863 का ए जो प्रोसेसर है, पहली बार मैंने इस फ़ोन में देखा है। और साथ ही साथ रिजोल्यूशन जो है वो 1520x720 का रिजोल्यूशन, और यहाँ पे एंड्रॉयड पाई देख सकते हो। तो डेफिनेटली प्रोसेसर के साथ में जो यहाँ पे काम किया गया है जियोनी F9 में, काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जियोनी F9 एक ऐसा फ़ोन है जो प्राइस के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हो सेल्फी जो कैमरा है वो 8 MP का सेल्फी कैमरा, डिटेल देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। रियर कैमरा यहाँ पे देख सकते हो 38 MP, लेकिन जो रियर कैमरा है इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं है जैसे आपको यहाँ पे 13 MP एंड फ्रंट 8 MP का दिया गया है, लेकिन इतना कुछ खास सेंसर का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए इतना कुछ खास फोटोग्राफी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कैमरा को छोड़ के लेकिन बाकी सेल्फ़ी के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। यहाँ पे देख सकते हो सेल्फ़ी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया है, यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा से अच्छा है। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा जियोनी F9 मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। एंड गाइस इस फ़ोन को लेके कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि 6500 के डिवाइस के हिसाब से ये फ़ोन आपको कैसा लगा जियोनी F9। जी हाँ, इसमें आपको 3GB RAM, 32GB स्टोरेज, साथ ही साथ इसमें आपको 1.65 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर एंड्रॉयड 9 भी मिल जाता है, 5.71 इंचेस का यहाँ पे HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले भी मिल जाता है, वाटर ड्रॉप स्क्रीन है, 13 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। तो यही है जियोनी F9, उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, जय हिंद।